दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुनील उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, नया साल शुरू हो चुका है। अपने वादे मुताबिक मैं आपके लिए एक आज ऐसा वीडियो आपको बना के देने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 2020 में अपने जितने भी गोल हैं, जितने भी सपने हैं, उन्हें लिखा होगा रेड पेन से। जैसा कि मैं पहले मेरे वीडियो में बता चुका हूं कि आप अपनी सारी की सारी इच्छाएं, एटलीस्ट 100 इच्छाएं एक नोटबुक में रेड पेन से लिखिए, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी आपका जो न्यूरोपाथ है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो प्रोग्राम होगा। क्योंकि उसको ये मैसेज जाएगा कि ये जो आदमी है, इन सब गोल को, इन सब सपनों को पूरा करने के लिए सीरियस है। आज मैं आपको दोस्तों एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहता हूं जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतर आदमी है, उससे बेहतर और कोई नहीं। क्या आप उस आदमी को मिलना चाहते हैं? और आपका जवाब होगा हाँ, मैं मिलना चाहता हूं। तो दोस्तों, वो आदमी और कोई नहीं, वो आदमी जो इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहा है, वही आदमी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी है। हाँ दोस्तों, 2020 में आपको आज के बाद हमेशा के लिए अपने को श्रेष्ठ मानना है। जब आप अपने को श्रेष्ठ मानेंगे तो दोस्तों आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, महात्मा गांधी की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, या मेरी तरह। क्योंकि मैं हर वक्त यही मानता हूं, मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी हूं और मैं सबकी जिंदगी बदल सकता हूं। और उस जिंदगी को बदलने के लिए ही मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो कि बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा और आज के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, आपको मैं एक आज ऐसी टेक्निक से अवगत कराने वाला हूं जिस टेक्निक का नाम है सिग्नेचर टेक्निक, यानी कि जिसे ग्राफोलॉजी भी बोला जाता है, सिग्नेचर टेक्निक। हाँ दोस्तों, आप बैंक में साइन करते होगे, कहीं ना कहीं आप साइन करते होगे, तो साइन से हमारे बारे में क्या पता चलता है? साइन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइन प्लस नेचर, सिग्नेचर। यानी कि सिग्नेचर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइन प्लस नेचर। तो सिग्नेचर से आपके नेचर के बारे में पता चलता है, आपका जो ब्रेन पैटर्न है उसके बारे में पता चलता है। सिग्नेचर आपका रिटर्न ब्रेन पैटर्न है। अगर आपका सिग्नेचर खराब है, नेगेटिव है, तो आप लाइफ में बहुत सारे सफलता प्राप्त करने से चूक जाएंगे, आपकी लाइफ में असफलता होगी, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सिग्नेचर चेंज करेंगे तो अगर आपका रिटर्न पैटर्न चेंज होगा तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। यदि आप सिग्नेचर को हिला देते हैं तो आप लोगों को हिला सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं और सफल बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सिग्नेचर में, कैसी कैसी सिग्नेचर से हमारी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली दोस्तों सिग्नेचर है, आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये सिग्नेचर की है, सुनील इसमें लिखा है। इस सिग्नेचर में खास नोट करने की बात यह है कि एस के अंदर गोला, गोले के अंदर एस किया, सर्कल के अंदर। तो आपको ऐसी सिग्नेचर यदि आप दोस्तों करते हैं तो आप ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आप अपने एक दायरे में रहते हैं, आपका सर्कल लिमिटेड है और आप जो भी बातें करना चाहते हैं वो आपके गले तक अटक जाती है, आप खुलकर बातें नहीं कर पाते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप एक लिमिटेड सर्कल में रहेंगे तो दोस्तों ज्यादा सफल नहीं हो सकते। ज्यादा सफल लोग, जो भी पीक परफॉर्मेंस प्राप्त करते हैं, वो सारे लोग अपने दायरे को बड़ा करते रहते हैं, विस्तृत करते रहते हैं। आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनी लिमिट को तोड़ दी, वो लिमिटलेस हो गए। तो आप कभी भी सिग्नेचर करें तो पहला जो वर्ड है उसको सर्कल के अंदर ना करें। तो अगर आप ये करेंगे तो आप जीवन में ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाएंगे और आप अपनी सफलता को रोक देंगे। आइए दूसरी सिग्नेचर की बात करते हैं। दूसरी सिग्नेचर में आप देख रहे हैं मैंने लिखा है एस उपाध्याय। यदि आप दोस्तों ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो पूरी जिंदगी आप अपने परिवार के सुख समृद्धि में बिता देंगे, आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे, आपका पूरा जीवन जो है, आपके वजूद आपका खो जाएगा, आप अपने वजूद को खत्म कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ परिवार के बारे में सोचेंगे और उनके लिए ही काम करते रहेंगे। यदि आप ऐसी सिग्नेचर कर रहे हैं तो दोस्तों आज से ही ये सिग्नेचर करना बंद कर दीजिए। तीसरी सिग्नेचर दोस्तों, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, सुनील उपाध्याय लिखा हुआ है पूरा का पूरा। यदि आप दोस्तों ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो आप पूरा का पूरा जिंदगी क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने में लगा देंगे, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने में लगाएंगे और आप ज्यादातर बोलेंगे मुझे सुनो, मुझे समझो। अगर आप ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो आप ऐसी सिग्नेचर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एनर्जी जो है और टाइम है अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने में ही बीत जाएगा। चौथी सिग्नेचर देखिए, ओनली इनिशियल यदि आप करते हैं, एस मतलब सुनील का एस और उपाध्याय को यू, अगर आप ऐसा सिग्नेचर करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नेचर है,
आप सारी की सारी जिंदगी दोस्तों गुमनामी के अंधेरे में जिएंगे। यदि आप गुमनामी के अंधेरे में जिएंगे तो ज्यादा सफल नहीं हो सकते। जो भी लोग गुमनामी के अंधेरे में जीते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। और आपका ना कोई पास्ट होगा ना फ्यूचर होगा। यदि आप ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो आपका फ्यूचर और पास्ट कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पांचवी सिग्नेचर, इसमें मैंने सुनील लिखा हुआ है, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? इस सिग्नेचर को आप इसे पढ़ नहीं पा रहे। तो दोस्तों यदि आपकी सिग्नेचर ऐसी है जिसे कोई पढ़ नहीं पाता तो आपकी लाइफ में क्या होगा, आपके अंदर विजडम तो होगा मगर वो विजडम आपका खुद के तक ही सीमित रहेगा और खुद के तक आपका वो विजडम समाप्त हो जाएगा। यदि आप कोई टॉपिक शुरू करेंगे चर्चा के लिए तो बीच में आके आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसी सिग्नेचर नहीं करनी है जो कोई पढ़ ना पाए, जो कोई समझ ना पाए कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आइए छठी सिग्नेचर हम करते हैं। देखिए छठी सिग्नेचर में क्या क्या है, ये पहाड़ की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि ये तीखी सिग्नेचर ऊपर से, इसमें तीखी सिग्नेचर जो ऐसे यदि आप सिग्नेचर करते हैं तो आपके अंदर फायर बहुत होगा, आपके अंदर बहुत ही अग्नि होगी। तो आप हमेशा आपके अंदर रॉकेट की तरह आग लगी रहेगी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, आप ऐसे एटीट्यूड में रहेंगे। यदि आपकी ऐसी सिग्नेचर होगी तो आप ज्यादातर अशांत रहेंगे, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा क्योंकि आपके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होगा। सातवीं सिग्नेचर देखिए दोस्तों, इसमें सुनील लिखा हुआ है, पूरा साफ पढ़ने में आ रहा है मगर ये अक्षर बहुत ही छोटे हैं, मतलब दो लाइन के बीच में लिखा हुआ है। यदि आप ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो आप बैलेंस वाले आदमी हैं, आप साफ सुथरी जिंदगी जीते हैं और आप बैलेंस वाले आदमी हैं और आप बहुत ही जीवन में कैलकुलेशन से चलते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे मगर आपकी लाइफ नॉर्मल ही रहेगी, आपकी साफ सुथरी लाइफ रहेगी और लाइफ में बैलेंस जाएंगे। और यदि आप ऐसी सिग्नेचर करते हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एस कैपिटल है उसके बाद वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि एस कैपिटल है फिर यानी कि वहां से नीचे की तरफ जा रही है, अगर आप ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो दोस्तों आपको हमेशा एक चीज याद रख, आपको हमेशा ऐसा सोचोगे आपकी मुझे काम बहुत बढ़िया करना है, श्रेष्ठ काम करना है। और आपको फिर वो काम तो शुरू करोगे श्रेष्ठ काम, मगर धीरे धीरे आपका एंथ्यूजियम, आपका जो जोश है वो कम हो जाएगा और आप अधूरा काम छोड़ लोगे। तो ऐसी सिग्नेचर भी आपको नहीं करनी है। नाइन्थ नंबर, और नाइन्थ नंबर की सिग्नेचर देखिए दोस्तों, मैंने दो सिग्नेचर की है, ये सिग्नेचर ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी वाली सिग्नेचर जो है वो सीधे जा रही है। ऐसी यदि आप सिग्नेचर करते हैं तो आप हमेशा लाइफ में आपका कुछ गोल होगा और आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ये दोनों टाइप की आप सिग्नेचर कर सकते हैं। यदि आप ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो आपका लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ एम है और आप उस एम को अचीव भी कर लेते हैं। दसवीं सिग्नेचर देखिए दोस्तों क्या, ऊपर से नीचे जा रही है, ये सही है, नेगेटिव सिग्नेचर है। यदि आप ऐसी सिग्नेचर करेंगे तो आप जीवन में असफल रहेंगे, आप जीवन में जो चाहते हैं उसे नहीं पा पाएंगे। आपको ऐसी सिग्नेचर नहीं करनी है और आप, ये फेलियर का साइन है दसवीं सिग्नेचर। ग्यारहवीं सिग्नेचर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मैंने नाम लिखा है उसके नीचे एक लाइन खींची है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो आपको जीवन में सपोर्ट मिलेगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो भी सोच रहे हैं उससे सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद बारहवीं जो सिग्नेचर है आप देख रहे हैं कि उसमें सुनील लिखा है ऊपर की तरफ लाइन की, उसके बाद डॉट लगाए हैं तीन डॉट, तो इससे ये पता चलता है आप अपनी सफलता को निरंतर आगे ले जाएंगे। आप दो डॉट भी लगा सकते हैं, तीन डॉट भी लगा सकते हैं, अगर सिंगल डॉट ना लगाएं, सिंगल डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप, आप अपनी सफलता को आपने रोक दिया है, तो आप ऐसा सिग्नेचर कर सकते हैं। तेरहवीं सिग्नेचर में आप देख रहे हैं कि ये सुनील लिखा हुआ है उसके नीचे एक लाइन मारी है और उसके नीचे दो डॉट लगा रखे हैं, इसका मतलब होता है ये पूर्णता का प्रतीक है। ऐसी सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं, आप बहुत ही पूर्ण आदमी है, बैलेंस से चलते हैं, आपकी लाइफ में गोल है और उसे आप अचीव करेंगे। देखो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी सिग्नेचर हम करें जो कि बढ़िया सिग्नेचर है, बहुत ही सक्सेसफुल सिग्नेचर है। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं बढ़िया सिग्नेचर कैसी होती है। आप देखिए दोस्तों यहां पर बढ़िया सिग्नेचर में सुनील लिखा हुआ है ऊपर की तरफ जा रहा है, पहला वर्ड कैपिटल है और सारे के सारे वर्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या आप दूसरा सुनील लिख सकते हैं, एरो करें नीचे लाइन करेंगे और उसके बाद तीन डॉट किए हुए हैं यानी कि सक्सेस कंटिन्यूड। आप या तो पूरा नाम लिख सकते हैं उसके नीचे लाइन करेंगे और दो डॉट लगाएंगे कंपटीशन की, और आपका कोई भी लाइन जब आप नीचे लगाएं उसके नीचे तो ये सपोर्ट का मतलब है। ये मंगल ग्रह के बारे में हम इससे जानते हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा जब भी आप नीचे लाइन लगाएंगे। यदि आप सब लाइन नहीं लगाएंगे तो आपको, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे मगर आपको खुद के बल पे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप ऐसी सिग्नेचर कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट सिग्नेचर आप सिर्फ अपना नाम लिखिए, पूरा नाम पढ़ने में आना चाहिए और साथ में आप लास्ट में एरो लगा दें। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है एक गोल की तरफ हमारा निशाना। जैसा कि आपने देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा महाभारत में अर्जुन कहां पर निशाना लगा रहे थे,
अर्जुन मछली की आंख पर निशाना लगा रहे थे, उनके हाथ में क्या था? तीर। तो ये जो तीर है, ये जो एरो है, वो आपकी सफलता का, आपका गोल का, आपका टारगेट का द्योतक है। तो आप ऐसी साइन करिए और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि कॉन्फिडेंस जो भी चाहते हैं उसको लेके आ जाइए। अब दोस्तों आपको मैंने ये सिग्नेचर तो बता दिया, मगर इस सिग्नेचर को अपनी लाइफ में एक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप शुक्ल पक्ष के कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अभी आजकल उजाला है, आज से भी आप इस सिग्नेचर को करना शुरू कर सकते हैं। आप रात को सोते टाइम 21 टाइम्स या 51 टाइम रेड पेन से अपनी चेंज सिग्नेचर को करेंगे। कितने दिन तक करेंगे? 108 दिन तक करेंगे। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। और मैंने भी दोस्तों इस टेक्निक को अप्लाई किया है, 108 दिन तक मेरी लाइफ में काफी चेंज आ चुका है। मेरी लाइफ दिन प्रतिदिन मेरे उस लक्ष्य की तरफ जा रही है जो लक्ष्य मैंने देखा हुआ है, जो मेरे पास रिटर्न में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वीडियो मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है। इस टेक्निक को आप अप्लाई करिए और आपको जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बैंक में आप ये जो चेंज सिग्नेचर है उसे बाद में करवा देंगे। पहले आप 108 दिन तक ये टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता है आज से डिसाइड करेगा, वो मुझे नीचे कमेंट में लिखे कि मैं 108 दिन तक अपने को, मैं आपसे कमिट करता हूं कि मैं इस नई सिग्नेचर को आज से करूंगा और 108 दिन पूरा करूंगा। ये दोस्तों 2020 के लिए मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है और आशा करता हूं इस सिग्नेचर के बाद आपकी लाइफ भी मेरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपका दिन शुभ रहे, आपका नया साल हर तरीके से सफल रहे, आप जहां भी हो सफलता के लिए काम करते रहे, मेरे वीडियो देखते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, लाइफ चेंजिंग वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा लाइफ का मिशन है कम से कम 12 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।